हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि अपकमिंग मंथ में फेब में एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं कि फेब में ही हो जाए। और आपको स्टैटिक जीके में अच्छी तैयारी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या उसमें सिलेबस है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। मैंने उसमें लास्ट 30 डेज़ वाले प्लान में बताया है उस वीडियो में। दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, और उसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अपना जीएस सेक्शन। स्टैटिक अवेयरनेस वाला 18 से 22 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 7 से 10 पूछा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक में क्या पूछता है, मोस्टली आपका नेशनल पार्क, जियोग्राफी इंडिया की, और वैसे इंपॉर्टेंट तो इंटरनेशनल लेवल की भी जियोग्राफी है, लेकिन इंडिया की ज़्यादातर पूछता है। फिर सॉइल ऑफ इंडिया, किस तरीके की सॉइल हमारी, फार्मिंग और इरिगेशन, क्रॉप्स इन इंडिया, किस तरीके क्रॉप्स होता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर से काफ़ी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हिस्ट्री, मतलब ब्रीफ में बताया है इसने, हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट वाला है वो जरूर आता है। आप पिछले साल के जितने भी एसएससी के पेपर हैं जीएस के, वो कर लीजिएगा, मोर देन इनफ होगा सभी के, सीपीओ, सीजीएल, सबका जीएस जो भी है आप पढ़ लेना। वो इम्पॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके में। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरीके से अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए दे रखा है, इंडियन एंड वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन टाउन एंड रिवर्स, रिवर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स में बना रखे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें। भारत में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊँगा इसमें, जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में बना था, सबसे पहला, सबसे पुराना, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ये मैंने लूसेंट जो बुक है उससे कुछ स्नैप निकाले हैं इम्पॉर्टेंट वाले, वो आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं। जो पुराना नाम इसका था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क का, वो हैली नेशनल पार्क था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में लेह जनपद में है, इसका नाम हिमीस है और ये 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। फिर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कहीं पर भी आ जाएगा ये। जिम कॉर्बेट पार्क की पार्क से रामगंगा नदी बहती है, जो जिम कॉर्बेट पार्क है वहाँ से रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है, मतलब वहीं से बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डॉचिगम सेंचुरी कश्मीरी महामृग जो है डॉचिगम सेंचुरी में पाया जाता है, एक डॉचिगम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में जगह है, अभयारण्य है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है जिसमें अभयारण्य है, जिसपे मैंने गोला लगा रखा है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा भी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये आ चुके हुए हैं इस वजह से मैंने इस पर लगा दिए गोले। पलामू जो है झारखंड में है, हजारीबाग ये भी झारखंड में है। फिर गिर जो है गुजरात में है, गिर से याद रखना, ग से गुजरात है। कॉर्बेट है उत्तराखंड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दुधवा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, भद्रा जो है कर्नाटक में है, और तुंगभद्रा भी कर्नाटक में है। भद्रा और तुंगभद्रा एक नाम से ही पता कर लेना, ये कर्नाटक में है। फिर ये मानस इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, असम में है। काजीरंगा ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आ जाता है कभी कभी। रणथंबोर ये राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य ये भी राजस्थान में है, यहाँ पे नीलगाय मिलते हैं। फिर बोरीवली महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में बहुत आता है ये चिल्का और सिमलीपाल। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तमिल की तरफ सोचते हैं कि नहीं उधर की तरफ नहीं होगा ये नाम, इंदिरा गांधी आता है। फिर मुदुमलाई ये तमिलनाडु में है। यहाँ पेरियर केरल में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, डॉचिंगम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे स्टैग नाम का एक वो मिलता है। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बाधमगढ़ मध्य प्रदेश, और एक गढ़ से कन्फ्यूज़ मत होना कि राजस्थान होगा, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। नागरहोल ये कर्नाटक में है, और सुल्तानपुर झील जो है हरियाणा में है। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन तो पता ही होगा। किबूल लामजाओ ये मणिपुर में है, ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी इसके अलावा भी चांसेस हैं उनके आने के। ये कुछ चैनल्स होते हैं द्वीप समूह जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, द्वीप समूह से संबंधित अन्य तथ्य। तो 11 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 10 और 9।
तो ये किन किन दो द्वीपों के बीच में है या फिर जगहों के बीच में है वो आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है 11 डिग्री चैनल किन दो जगहों के बीच में है, तो ये उत्तर में अमीन देवी और दक्षिण में कनानोर द्वीप के से अलग करता है। मतलब ये चैनल एक तरीके से समझ लीजिए कि समुद्र में एक जगह होती है दो द्वीपों के बीच में से, जिससे बीच से निकाला जा सकता है, मतलब शिप निकाला जा सकता है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है ये, अंडमान तथा निकोबार। फिर 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, मिनिकॉय के मध्य स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। फिर डकन पैसेज जो है लिटिल अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। फिर कोको स्ट्रेट कोको द्वीप जो समूह है और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है कोको स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बहुत आता है ये क्वेश्चन, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। फिर एक ग्रेट चैनल ये इंडोनेशिया एवं निकोबार को के मध्य स्थित है, मतलब अलग करता है। फिर एलिफेंटा है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप एक द्वीप के बारे में बता रहे हैं, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। फिर सालसेत भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। ये कुछ द्वीप थे। भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु, ये चारों तरफ हम लोग का जो बिल्कुल पॉइंट होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, उनके बारे में बताया गया कि सबसे एक्सट्रीम दक्षिण पॉइंट यानी कि साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी पॉइंट यानी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी पॉइंट है गुहार मोती गुजरात में। पूर्वी किबीदू अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है कन्याकुमारी है, भूमि की दृष्टि से देखें हम तो कन्याकुमारी है, नहीं तो वैसे हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जी के थे। इसके अलावा भी मैं ये कंटिन्यू रखूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताना, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है।